हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है रायान। दोस्तों अगर आप रायान मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको रायान मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में बताएँगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्म का एक रिव्यू भी देंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप 10 मिनट की भी हमारी वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। रायान एक आने वाली हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे धनेश ने अपनी दूसरी हिदायतकारी में लिखा और हिदायतकारी की। ये फिल्म सन पैकेज के तहत काला नीथी मारन ने प्रोड्यूस की है। इसमें एस जे सूर्या, प्रकाश राज, सिलवार घवान, संदीप किशन, कालिदास, जयराम, दिशार और जैन, अपर्णा बालमोरली, पारा लक्ष्मी, सरतार कुमार और सरवानन की एक जोड़ी कास्ट के साथ दिनेश ने टाइटल रोल में काम किया है, क्योंकि ये दिनेश की बतौर मरकजी किरदार की 50वीं फिल्म है और सरकारी टाइटल फरवरी 2024 में सामने आया था। प्रिंसिपल के तहत, प्रिंसिपल फोटोग्राफी के तहत इसके लिए काम किया गया और इसे इस फिल्म को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लिपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी, जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और प्रसन्ना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होना था, लेकिन नामालूम वजहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रायान एक सादा सा नौजवान है जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए कातिलों की तलाश में निकलता है, जहां कातिलों को तलाश करने की इस जस्तजू इसे मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह के ज़रिए ले जाती है। यानी कि स्टोरी में आप देखेंगे कि एक नौजवान जो अपने ख़ानदान का बदला लेना चाहता है, तो उस बदले की आग में वो गलत रास्ते की तरफ चल निकलता है। यानी कि ये मूवी फाइटिंग मूवी होगी और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की तरफ। इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नज़र आएगा। दोस्तों इस मूवी में दिनेश बतौर रायान के रोल में आपको नज़र आएंगे। रायान राया, एस जे सूर्या जो हैं वो इस मूवी में प्रकाश राज के रोल में नज़र आएंगे। सिलोर घून, संदीप किशन रायान के भाई के तौर पर इस मूवी में आपको नज़र आएंगे। कालिदास जे राम बतौर रायान के भाई के रोल में नज़र आएंगे। दिशार ओ जीन बतौर रायान की बहन। अपर्णा बाला मोवाली, वारा लक्ष्मी, सरदार कुमार के रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा सर ओवान और इसके अलावा अगर बात कर लें दोस्तों ये जो मूवी है दिसंबर 2017 को दिनेश ने ऐलान किया कि मैं ये मूवी बनाने जा रहा हूँ, और पांडी 2017 के बाद अपनी दूसरी हिदायतकारी के लिए वो हिंडल स्टूडियो लिमिटेड के हेड रिज हेमार कमानी और मरली रामा सामी के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने 29 के मज़ीद कहा कि वो मरकजी किरदार भी इस मूवी में अदा करेंगे। अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, इसके लिए 7 सितंबर 2018 को चेन्नई में एक मुहूर्त पूजा का इनेकाद किया गया था। तमिल और तेलुगु जबानों में रिलीज़ होने वाली एक दो लसानी फिल्म होने का दावा किया गया है। इसमें नागार जिन, अतिथि राव हैदरी, एस जे सूर्या और सरत कुमार और श्रीकांत शामिल होंगे। म्यूजिक कंपोज शान रोल्डन, सिनेमाग्राफर ओम
प्रकाश और एडिटिंग पर जो है ना ये काम प्रसन्ना जी के हवाले किया गया और प्रसन्ना जी को इसके बोर्ड की तरफ भी लाया गया। राकमानी ने कहा कि ये एक मुतासर कुन कहानी है और दिनेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो एक तवील अरसे से जहन में रखते हैं। फिल्म के बारे में बहुत परजोश है और जब हमने स्क्रिप्ट को सुना तो हम समझ गए कि क्यों वेंचर के प्रेस लॉन्च के दौरान ये रिलीज़ होने जा रही है। इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हो गई जिस महीने ऐलान किया गया था। मार्च 2019 के वैल में नामा निगारों ने दावा किया कि इस वेंचर को रोक दिया गया था, ये बताते हुए कि इस वेंचर को सिर्फ DD2 आरजी तौर पर चंद बिट्स में शूट किया गया था। बुनियादी तौर पर कास्ट के शेड्यूल की वजह से बाद में ये इतला मिली कि इसे महफूज नहीं किया गया था बल्कि इसे रोक दिया गया था क्योंकि धनोश असूरन की फिल्म बंदी में मसरूफ थे। जून 2020 में दिनेश के बड़े भाई सिलोर भुवन के बारे में बताया गया कि अदाकार ने वेंचर के एक हिस्से की हिदायतकारी के लिए रब्ता किया क्योंकि दिनेश अपने मौजूदा वादों में मसरूफ वबाई मर्ज के लिए ख़त्म होने के बाद शुरू होगा जो बाद में गलत साबित हुआ। दो साल के बाद कोविड-19 आ गया, इस मंसूबे के बाद स्टॉल पर लगा दिया गया। तहम ये इतला दी गई थी कि ये स्क्रिप्ट को बहाल करने की बजाय दिनेश मुबैना तौर पर एक नई कहानी लिखेंगे जिसके लिए सन पैकेज के कलिति मॉडर्न ने फंड किया है। प्रोडक्शन हाउस ने 18 जनवरी को 2023 का अनुमान दिया गया। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रायान 19 फरवरी 2024 को सामने आया था। D50 अवामी तोहफा इस मंसूबे का ऐलान किया और इसे आर्जी तौर पर ख़त्म भी कर दिया गया। दोस्तों ज़्यादातर फिल्म जो है ये चेन्नई में इसको शूट किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 5 जुलाई 2023 को एस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में फिल्म की कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक इफ्तिताही पूजा की तकरीब से हुआ। फिल्म बंदी भी वहाँ थोड़ी देर तक चलती रही इससे पहले कि वो चेन्नई के आदित्य राम स्टूडियोज़ में तकरीबन 500 घरों के साथ एक बड़े सेट पर चले गए जहां बाकी शेड्यूल की शूटिंग जारी रही। शेड्यूल में सूर्या और संदीप के मनाज़िर शामिल थे। दूसरा शेड्यूल नवंबर के वस्त में कार्रवाई को डी में शुरू हुआ जो एक हफ्ते तक जारी रहा। फिल्म बंदी ख़त्म होने के करीब पहुंच गई जैसा कि दिनेश ने कहा 1 अक्टूबर को। 14 दिसंबर को दिनेश ने ट्वीट किया कि शूटिंग ख़त्म हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन के तहत फिल्म की प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट स्टूडियो डबिंग का काम फरवरी 2024 के आखिर में PVTL TD सोमेश गोपाल और इनेश दिया नद्दन बसरी असरात के निगरान है। डिजिटल बक्स इंटरटेनमेंट शुरू हुआ और मार्च के ओएल तक मुकम्मल हो गया। रहमान ने 28 मई को दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन का इंतजाम किया जिसकी तस्दीक दिनेश ने अपने सोशल मीडिया पैकेज के जरिए कर दी गई। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने कॉन्टैक्ट किया है उनका नाम है धनोश और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम भी धनोश ही है। इसके अलावा इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है कालंती मारन और इस मूवी के जो मेन किरदार हैं हीरो हैं तो उनका नाम भी जो है दोस्तों वो धनोश ही है। इसके साथ रहे हैं SJ सूर्या, संदीप किशान, कालिदास जयराम, इसके अलावा सिल वेरा घाविन, इसके अलावा प्रकाश राज, दूसरा वेजियान, अपारा बिलम्ब मुरली, वारा लक्ष्मी,
इसके अलावा सेमोग्राफी ओम प्रकाश ने की है। एडिट जो की है वो परसाना जी के ने किया है। म्यूजिक इस मूवी का दी है ए आर रहमान ने। प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स की तरफ से है और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है सी बिलो ने। रिलीज़ डेट है इसकी 26 जुलाई 2024 और इसका रनिंग टाइम है 145 मिनट्स। कंट्री इसकी इंडिया है और जो लैंग्वेज है वो है जी तमिल। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 100 करोड़ की लागत आई। अब देखते हैं कि इस मूवी पे लागत 100 करोड़ आई है और ये कितना बिजनेस करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, बस कुछ ही दिनों तक रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये है जी ओवरऑल पूरी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको दी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। और अब आप सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को देख भी सकते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो यकीन आपको मूवी भी पसंद आएगी। रायान एक आने वाली हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे धनेश ने अपनी दूसरी हिदायतकारी में लिखा और हिदायतकारी की। ये फिल्म सन पैकेज के तहत काला नीति मारन ने प्रोड्यूस की है। इसमें एस जे सूर्या, प्रकाश राज, सिलवार गवान, संदीप किशन, कालिदास, जयराम दिशार, उज्जैन अपर्णा, बालमोरली वारा, लक्ष्मी सरतार कुमार और सरवानन की एक जोड़ी कास्ट के साथ दिनेश ने टाइटल रोल में काम किया है। क्योंकि ये दिनेश की बतौर मरकजी किरदार की 50वीं फिल्म है और सरकारी टाइटल फरवरी 2024 में सामने आया था। प्रिंसिपल के तहत फिनिशल फोटोग्राफी के तहत इसके लिए काम किया गया और इस फिल्म को बाजाबता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लिपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और परसना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ होना था लेकिन नामालूम वजहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रायान एक सादा सा नौजवान है जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए कातिलों की तलाश में निकलता है। जहां कातिलों को तलाश करने की इस जस्तजू इसे मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह के ज़रिए ले जाती है। यानी कि स्टोरी में आप देखेंगे कि एक नौजवान जो अपने ख़ानदान का बदला लेना चाहता है तो उस बदले की आग में वो गलत रास्ते की तरफ चल निकलता है। यानी कि ये मूवी फाइटिंग मूवी होगी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की तरफ। इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नज़र आएगा। दोस्तों इस मूवी में दिनेश बतौर रायान के रोल में आपको नज़र आएंगे। रायान राया, एस जे सूर्या जो है वो इस मूवी में प्रकाश राज के रोल में नज़र आएंगे। सिलोर घून संदीप किशन रायान के भाई के तौर पर इस मूवी में आपको नज़र आएंगे। कालिदास जे राम बतौर रायान के भाई के रोल में नज़र आएंगे। दिशार ओजीन बतौर रायान की बहन, अपर्णा बाला मुवाली वारा लक्ष्मी सरदार्थ कुमार के रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा सर ओवान और इसके अलावा अगर बात कर लें दोस्तों ये जो मूवी है दिसंबर 2017 को दिनेश ने ऐलान किया कि मैं ये एक मूवी बनाने जा रहा हूँ और पांडी 2017 के बाद अपनी दूसरी हिदायतकारी के लिए वो थंडल स्टूडियो लिमिटेड के हेड रिज हेमार कमानी और मरली रामा सामी के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने 29 के मज़ीद कहा कि वो मरकज़ी किरदार भी इस मूवी में अदा करेंगे। अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी।
जिसके लिए 7 सितंबर 2018 को चेन्नई में एक मुहूर्त पूजा का इनेकाद किया गया था। तमिल और तेलुगु जबानों में रिलीज होने वाली एक दो लसानी फिल्म होने का दावा किया गया है। इसमें नागार्जुन, अतिथि राव हैदरी, एस जे सूर्या और सत कुमार और श्रीकांत शामिल होंगे। म्यूजिक कंपोज शान रोल्डन, सिनेमाग्राफर ओम प्रकाश और एडिटिंग पर जो है ना ये काम प्रसन्ना जी के हवाले किया गया और प्रसन्ना जी को इसके बोर्ड की तरफ भी लाया गया। राकमानी ने कहा कि ये एक मुतासर कुन कहानी है और दिनेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो एक तवील अरसे से जहन में रखते हैं। फिल्म के बारे में बहुत परजोश है और जब हमने स्क्रिप्ट को सुना तो हम समझ गए कि क्यों वेंचर के प्रेस लॉन्च के दौरान ये रिलीज होने जा रही है। इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हो गई जिस महीने ऐलान किया गया था। मार्च 2019 के वेल में नामा निगारों ने दावा किया कि इस वेंचर को रोक दिया गया था, ये बताते हुए कि इस वेंचर को सिर्फ DD2 आर्थिक तौर पर चंद बिट्स में शूट किया गया था। बुनियादी तौर पर कास्ट के शेड्यूल की वजह से बाद में ये इतला मिली कि इसे महफूज नहीं किया गया था बल्कि इसे रोक दिया गया था क्योंकि धनुष असुरन की फिल्म बंदी में मसरूफ थे। जून 2020 में दिनेश के बड़े भाई सिलोर घोवन के बारे में बताया गया कि अदाकार ने वेंचर के एक हिस्से की हिदायतकारी के लिए रब्ता किया क्योंकि दिनेश अपने मौजूदा वादों में मसरूफ वबाई मर्ज के लिए ख़त्म होने के बाद शुरू होगा जो बाद में गलत साबित हुआ। 2 साल के बाद कोविड-19 आ गया, इस मंसूबे के बाद स्टॉल पर लगा दिया गया। तहम ये इतला दी गई थी कि ये स्क्रिप्ट को बहाल करने की बजाय दिनेश मुबैना तौर पर एक नई कहानी लिखेंगे जिसके लिए सन पैकेज के कलिति मॉडर्न ने फंड किया है। प्रोडक्शन हाउस ने 18 जनवरी को 2023 का अनुमान दिया गया। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रायान 19 फरवरी 2024 को सामने आया था। B50 अवामी तोहफा इस मनसूबे का ऐलान किया और इसे आर्जी तौर पर ख़त्म भी कर दिया गया। दोस्तों ज़्यादातर फिल्म जो है ये चेन्नई में इसको शूट किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 5 जुलाई 2023 को एस्ट पोस्ट रोड चेन्नई में फिल्म की कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक इफ्तिताही पूजा की तकरीब से हुआ। फिल्म बंदी भी वहाँ थोड़ी देर तक चलती रही इससे पहले कि वो चेन्नई के आदित्य राम स्टूडियोज़ में तकरीबन 500 घरों के साथ एक बड़े सेट पर चले गए जहां बाकी शेड्यूल की शूटिंग जारी रही। शेड्यूल में सूर्या और संदीप के मनाज़िर शामिल थे। दूसरा शेड्यूल नवंबर के वस्त में कार्रवाई को डी में शुरू हुआ जो एक हफ्ते तक जारी रहा। फिल्म बंदी ख़त्म होने के करीब पहुंच गई जैसा कि दिनेश ने कहा 1 अक्टूबर को। 14 दिसंबर को दिनेश ने ट्वीट किया कि शूटिंग ख़त्म हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन के तहत फिल्म की प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो डबिंग का काम फरवरी 2024 के आखिर में PVTLTD सोमेश भोपाल और इनेश दिया नद्दन बसरी असरात के निगरान है। डिजिटल बक्स इंटरटेनमेंट शुरू हुआ और मार्च के ओएल तक मुकम्मल हो गया। रहमान ने 28 मई को दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन का इंतजाम किया जिसकी तस्दीक दिनेश ने अपने सोशल मीडिया पैकेज के जरिए कर दी गई। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है धनुष और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम भी धनुष ही है। इसके अलावा इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है कालंती मारन और इस मूवी के जो मेन किरदार हैं हीरो हैं तो उनका नाम भी जो है दोस्तों वो धनुष ही है।
इसके साथ दे रहे हैं एस जे सूर्या, संदीप किशान, कालिदास, जयराम, इसके अलावा सिल वेरा घाविन, इसके अलावा प्रकाश राज, दूसरा विज्ञान अपारा बिलम मुरली वारा लक्ष्मी, इसके अलावा सेमोग्राफी ओम प्रकाश ने की है। एडिट जो की है वो परसाना जी के ने किया है। म्यूजिक इस मूवी का दी है ए आर रहमान ने। प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स की तरफ से है और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है सी बिलो ने। रिलीज डेट है इसकी 26 जुलाई 2024 और इसका रनिंग टाइम है 145 मिनट्स। कंट्री इसकी इंडिया है और जो लैंग्वेज है वो है तमिल। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 100 करोड़ की लागत आई। अब देखते हैं कि इस मूवी पे लागत 100 करोड़ आई है और ये कितना बिजनेस करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, बस कुछ ही दिनों तक रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये है जी ओवरऑल पूरी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको दी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। और अब आप सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को देख भी सकते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो यकीन आपको मूवी भी पसंद आएगी। रायान एक आने वाली हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे धनेश ने अपनी दूसरी हिदायतकारी में लिखा और हिदायतकारी की। ये फिल्म सन पैकेज के तहत काला नीति मारन ने प्रोड्यूस की है। इसमें एस जे सूर्या, प्रकाश राज, सिलवार घवान, संदीप किशन, कालिदास, जयराम, दिशार और जैन, अपर्णा बालमोरली, पारा लक्ष्मी, सरतार कुमार और सरवानन की एक जोड़ी कास्ट के साथ दिनेश ने टाइटल रोल में काम किया है। क्योंकि ये दिनेश की बतौर मरकजी किरदार की 50वीं फिल्म है और सरकारी टाइटल फरवरी 2024 में सामने आया था। प्रिंसिपल के तहत प्रिंसिपल फोटोग्राफी के तहत इसके रिकॉर्ड किया गया और इस फिल्म को बाजाबता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लिपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और परसना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ होना था लेकिन नामालूम वजहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रायान एक सादा सा नौजवान है जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए कातिलों की तलाश में निकलता है। जहां कातिलों को तलाश करने की इस जस्तजू इसे मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह के ज़रिए ले जाती है। यानी कि स्टोरी में आप देखेंगे कि एक नौजवान जो अपने ख़ानदान का बदल लेना चाहता है तो उस बदले की आग में वो गलत रास्ते की तरफ चल निकलता है। यानी कि ये मूवी फाइटिंग मूवी होगी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की तरफ। इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नज़र आएगा। दोस्तों इस मूवी में दिनेश बतौर रायान के रोल में आपको नज़र आएंगे। रायान राया, एस जे सूर्या जो है वो इस मूवी में प्रकाश राज के रोल में नज़र आएंगे। सिलोर घून संदीप किशन रायान के भाई के तौर पर इस मूवी में आपको नज़र आएंगे। कालिदास जे राम बतौर रायान के भाई के रोल में नज़र आएंगे। दिशार ओ जीन बतौर रायान की बहन। अपर्णा बाला मोवाली वारा लक्ष्मी सरदार्थ कुमार के रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा सर ओवान और इसके अलावा अगर बात कर लें
दोस्तों ये जो मूवी है दिसंबर 2017 को दिनेश ने ऐलान किया कि मैं ये एक मूवी बनाने जा रहा हूँ। और पांडी 2017 के बाद अपनी दूसरी हिदायतकारी के लिए वो हंडल स्टूडियो लिमिटेड के हेड रिज हेमार कमानी और मरली रामा सामी के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने 29 के मजीद कहा कि वो मरकजी किरदार भी इस मूवी में अदा करेंगे। अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 7 सितंबर 2018 को चेन्नई में एक मुहूर्त पूजा का इनेकाद किया गया था। तमिल और तेलुगु जबानों में रिलीज़ होने वाली एक दो लसानी फिल्म होने का दावा किया गया है। इसमें नागार जिन अतिथि राव हैदरी एस जे सूर्या और सर कुमार और श्रीकांत शामिल होंगे। म्यूजिक कंपोज शान रोल्डन सिनेमाग्राफर ओम प्रकाश और एडिटिंग पर जो है ना ये काम प्रसन्ना जी के हवाले किया गया और प्रसन्ना जी को इसके बोर्ड की तरफ भी लाया गया। राकमानी ने कहा कि ये एक मुतासर कन कहानी है और दिनेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो एक तवील अरसे से जहन में रखते हैं। फिल्म के बारे में बहुत परजोश है और जब हमने स्क्रिप्ट को सुना तो हम समझ गए कि क्यों वेंचर के प्रेस लॉन्च के दौरान ये रिलीज़ होने जा रही है। इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हो गई जिस महीने ऐलान किया गया था। मार्च 2019 के वेल में नामा निगारों ने दावा किया कि इस वेंचर को रोक दिया गया था, ये बताते हुए कि इस वेंचर को सिर्फ DD2 आरजी तौर पर चंद बिट्स में शूट किया गया था। बुनियादी तौर पर कास्ट के शेड्यूल की वजह से बाद में ये इतला मिली कि इसे महफूज नहीं किया गया था बल्कि इसे रोक दिया गया था क्योंकि धनुष असुरन की फिल्म बंदी में मसरूफ थे। जून 2020 में दिनेश के बड़े भाई सिलोर गोवन के बारे में बताया गया कि अदाकार ने वेंचर के एक हिस्से की हिदायतकारी के लिए रब्ता किया क्योंकि दिनेश अपने मौजूदा वादों में मसरूफ वबाई मर्ज के लिए ख़त्म होने के बाद शुरू होगा जो बाद में गलत साबित हुआ। 2 साल के बाद कोविड-19 आ गया, इस मनसूबे के बाद स्टॉल पर लगा दिया गया। तहम ये इतला दी गई थी कि ये स्क्रिप्ट को बहाल करने की बजाय दिनेश मुबैना तौर पर एक नई कहानी लिखेंगे जिसके लिए सन पैकेज के कलनीति मॉडर्न ने फंड किया है। प्रोडक्शन हाउस ने 18 जनवरी को 2023 का अनुमान दिया गया। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रायान 19 फरवरी 2024 को सामने आया था। P50 अवामी तोहफा इस मनसूबे का ऐलान किया और इसे आर्जी तौर पर ख़त्म भी कर दिया गया। दोस्तों ज़्यादातर फिल्म जो है ये चेन्नई में इसको शूट किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 5 जुलाई 2023 को एस्ट पोस्ट रोड चेन्नई में फिल्म की कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक इफ्तिताही पूजा की तकरीब से हुआ। फिल्म बंदी भी वहाँ थोड़ी देर तक चलती रही इससे पहले कि वो चेन्नई के आदित्य राम स्टूडियोज़ में तकरीबन 500 घरों के साथ एक बड़े सेट पर चले गए जहां बाकी शेड्यूल की शूटिंग जारी रही। शेड्यूल में सूर्या और संदीप के मनाज़िर शामिल थे। दूसरा शेड्यूल नवंबर के वस्त में कार्रवाई को डी में शुरू हुआ जो एक हफ्ते तक जारी रहा। फिल्म बंदी ख़त्म होने के करीब पहुंच गई जैसा कि दिनेश ने कहा 1 अक्टूबर को। 14 दिसंबर को दिनेश ने ट्वीट किया कि शूटिंग ख़त्म हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन के तहत फिल्म की प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो डबिंग का काम फरवरी 2024 के आखिर में PVTL TD सोमेश गोपाल और इनेश दिया नदन बसरी असरात के निगरान है। डिजिटल बक्स इंटरटेनमेंट शुरू हुआ और मार्च के ओएल तक मुकम्मल हो गया। रहमान ने 28 मई को दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन का इंतजाम किया
जिसकी तस्दीक दिनेश ने अपने सोशल मीडिया पैकेज के जरिए कर दी गई। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है धनुष, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम भी धनुष ही है। इसके अलावा इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है कालंती मारन, और इस मूवी के जो मेन किरदार हैं, हीरो हैं, तो उनका नाम भी जो है दोस्तों वो धनुष ही है। इसके साथ दे रहे हैं एस जे सूर्या, संदीप किशान, कालिदास, जयराम, इसके अलावा सिल वेरा घाविन, इसके अलावा प्रकाश राज, दूसरा वेजियान, अपारा बिलम बिलम मुरली, वारा लक्ष्मी, इसके अलावा सिनेमाग्राफी ओम प्रकाश ने की है। एडिट जो की है वो परसाना जी के ने किया है। म्यूजिक इस मूवी का दी है ए आर रहमान ने। प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स की तरफ से है, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है सी बिलो ने। रिलीज डेट है इसकी 26 जुलाई 2024, और इसका रनिंग टाइम है 145 मिनट्स। कंट्री इसकी इंडिया है, और जो लैंग्वेज है वो है जी तमिल। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 100 करोड़ की लागत आई। अब देखते हैं कि इस मूवी पे लागत 100 करोड़ आई है और ये कितना बिजनेस करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, बस कुछ ही दिनों तक रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है जी ओवरऑल पूरी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको दी। यकीनन आपको पसंद आई होगी, और अब आप सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को देख भी सकते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो यकीन आपको मूवी भी पसंद आएगी। रायान एक आने वाली हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे धनेश ने अपनी दूसरी हिदायतकारी में लिखा और हिदायतकारी की। ये फिल्म सन पैकेज के तहत काला नीति मारन ने प्रोड्यूस की है। इसमें एस जे सूर्या, प्रकाश राज, सिलवार घवान, संदीप किशन, कालिदास, जयराम, दिशा उज्जैन, अपर्णा बालमोरली, वारा लक्ष्मी, सरतार कुमार और सरवानंद की एक जोड़ी कास्ट के साथ दिनेश ने टाइटल रोल में काम किया है। क्योंकि ये दिनेश की बतौर मरकजी किरदार की 50वीं फिल्म है, और सरकारी टाइटल फरवरी 2024 में सामने आया था। प्रिंसिपल के तहत, प्रिंसिपल फोटोग्राफी के तहत इसके लिए काम किया गया, और तो इसे इस फिल्म को बाजाबता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लिपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी, जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और प्रसन्ना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होना था, लेकिन नामालूम वजहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रायान एक सादा सा नौजवान है, जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए कातिलों की तलाश में निकलता है, जहां कातिलों को तलाश करने की इस जस्तजू इसे मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह के ज़रिए ले जाती है। यानी कि स्टोरी में आप देखेंगे कि एक नौजवान जो अपने ख़ानदान का बदला लेना चाहता है, तो उस बदले की आग में वो गलत रास्ते की तरफ चल निकलता है। यानी कि ये मूवी फाइटिंग मूवी होगी, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की तरफ। इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नज़र आएगा। दोस्तों, इस मूवी में दिनेश बतौर रायान के रोल में आपको नज़र आएंगे। रायान राया, एस जे सूर्या जो हैं वो इस मूवी में प्रकाश राज के रोल में नज़र आएंगे। सिलोर घून,
संदीप किशन रायान के भाई के तौर पर इस मूवी में आपको नज़र आएंगे। कालीदास जे राम बतौर रायान के भाई के रोल में नज़र आएंगे। दिशार ओजीन बतौर रायान की बहन। अपर्णा बाला मोवाली वारा लक्ष्मी सरदार्थ कुमार के रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा सर ओवान और इसके अलावा अगर बात कर लें दोस्तों, ये जो मूवी है दिसंबर 2017 को दिनेश ने ऐलान किया कि मैं ये एक मूवी बनाने जा रहा हूँ और पांडी 2017 के बाद अपनी दूसरी हिदायतकारी के लिए वो थंडल स्टूडियो लिमिटेड के हेड रिज हेमार कमानी और मरली रामा सामी के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने 29 के मज़ीद कहा कि वो मरकज़ी किरदार भी इस मूवी में अदा करेंगे। अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी जिसके लिए 7 सितंबर 2018 को चेन्नई में एक मुहूर्त पूजा का इनेकाद किया गया था। तमिल और तेलुगु जबानों में रिलीज़ होने वाली एक दो लसानी फिल्म होने का दावा किया गया है। इसमें नागार जिन अतिथि राव हैदरी एस जे सूर्या और सरत कुमार और श्रीकांत शामिल होंगे। म्यूजिक कंपोज शान रोल्डन सिनेमाग्राफर ओम प्रकाश और एडिटिंग पर जो है ना ये काम प्रसन्ना जी के हवाले किया गया और प्रसन्ना जी को इसके बोर्ड की तरफ भी लाया गया। राकमानी ने कहा कि ये एक मुतासर कुन कहानी है और दिनेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो एक तवील अरसे से जहन में रखते हैं। फिल्म के बारे में बहुत परजोश है और जब हमने स्क्रिप्ट को सुना तो हम समझ गए कि क्यों वेंचर के प्रेस लॉन्च के दौरान ये रिलीज़ होने जा रही है। इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हो गई जिसमें ऐलान किया गया था। मार्च 2019 के वेल में नामा निगारों ने दावा किया कि इस वेंचर को रोक दिया गया था ये बताते हुए कि इस वेंचर को सिर्फ DD2 आर्थिक तौर पर चंद बिट्स में शूट किया गया था। बुनियादी तौर पर कास्ट के शेड्यूल की वजह से बाद में ये इतला मिली कि इसे महफूज नहीं किया गया था बल्कि इसे रोक दिया गया था क्योंकि धनुष असुरन की फिल्म बंदी में मसरूफ थे। जून 2020 में दिनेश के बड़े भाई सिलोर भुवन के बारे में बताया गया कि अदाकार ने वेंचर के एक हिस्से की हिदायतकारी के लिए रब्ता किया क्योंकि दिनेश अपने मौजूदा वादों में मसरूफ वबाई मर्ज के लिए ख़त्म होने के बाद शुरू होगा जो बाद में गलत साबित हुआ। दो साल के बाद कोविड-19 आ गया। इस मंसूबे के बाद स्टॉल पर लगा दिया गया। तहम ये इतला दी गई थी कि ये स्क्रिप्ट को बहाल करने की बजाय दिनेश मुबैना तौर पर एक नई कहानी लिखेंगे जिसके लिए सन पैकेज के कलिती मॉडर्न ने फंड किया है। प्रोडक्शन हाउस ने 18 जनवरी को 2023 का अनुमान दिया गया। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रायान 19 फरवरी 2024 को सामने आया था। D50 अवामी तोहफा इस मंसूबे का ऐलान किया और इसे आर्जी तौर पर ख़त्म भी कर दिया गया। दोस्तों ज़्यादातर फिल्म जो है ये चेन्नई में इसको शूट किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 5 जुलाई 2023 को एस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में फिल्म की कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक इफ्तिताही पूजा की तकरीब से हुआ। फिल्म बंदी भी वहाँ थोड़ी देर तक चलती रही इससे पहले कि वो चेन्नई के आदित्य राम स्टूडियोज़ में तकरीबन 500 घरों के साथ एक बड़े सेट पर चले गए जहां बाकी शेड्यूल की शूटिंग जारी रही। शेड्यूल में सूर्या और संदीप के मनाज़िर शामिल थे। दूसरा शेड्यूल नवंबर के वस्त में कार्रवाई को डी में शुरू हुआ जो एक हफ्ते तक जारी रहा। फिल्म बंदी ख़त्म होने के करीब पहुंच गई जैसा कि दिनेश ने कहा 1 अक्टूबर को 14 दिसंबर को दिनेश ने ट्वीट किया कि शूटिंग ख़त्म हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन के तहत फिल्म की प्रिंसिपल
विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो डबिंग का काम फरवरी 2024 के आखिर में PVTLDD सोमेश गोपाल और इनेश दिया नदन बसरी असरात के निगरान है। डिजिटल बक्स इंटरटेनमेंट शुरू हुआ और मार्च के अवैल तक मुकम्मल हो गया। रहमान ने 28 मई को दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन का इंतजाम किया, जिसकी तस्दीक दिनेश ने अपने सोशल मीडिया पैकेज के ज़रिए कर दी गई। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है धनुष, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम भी धनुष ही है। इसके अलावा इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है कालंती मारन, और इस मूवी के जो मेन किरदार हैं, हीरो हैं, तो उनका नाम भी जो है दोस्तों वो धनुष ही है। इसके साथ दे रहे हैं एस जे सूर्या, संदीप किशान, कालिदास, जयराम, इसके अलावा सिल वेरा घाविन, इसके अलावा प्रकाश राज, दूसरा वेजियान, अपारा बिलम्ब मुरली, वारा लक्ष्मी, इसके अलावा सेमोग्राफी ओम प्रकाश ने की है। एडिट जो की है वो परसाना जी के ने किया है। म्यूज़िक इस मूवी का दी है ए आर रहमान ने। प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स की तरफ से है और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है सी बिलो ने। रिलीज़ डेट है इसकी 26 जुलाई 2024 और इसका रनिंग टाइम है 145 मिनट्स। कंट्री इसकी इंडिया है और जो लैंग्वेज है वो है जी तमिल। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 100 करोड़ की लागत आई। आप देखते हैं कि इस मूवी पे लागत 100 करोड़ आई है और ये कितना बिजनेस करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, बस कुछ ही दिनों तक रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है जी ओवरऑल पूरी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको दी। यकीनन आपको पसंद आई होगी और अब आप सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को देख भी सकते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो यकीन आपको मूवी भी पसंद आएगी। रायान एक आने वाली हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे धनेश ने अपनी दूसरी हिदायतकारी में लिखा और हिदायतकारी की। ये फिल्म सन पैकेज के तहत काला नीथी मारन ने प्रोड्यूस की है। इसमें एस जे सूर्या, प्रकाश राज, सिलवार घवान, संदीप किशन, कालिदास, जयराम, दिशार और जैन, अपर्णा बालमोरली, वारा लक्ष्मी, सरदार कुमार और सरवानन की एक जोड़ी कास्ट के साथ दिनेश ने टाइटल रोल में काम किया है। क्योंकि ये दिनेश की बतौर मरकजी किरदार की 50वीं फिल्म है और सरकारी टाइटल फरवरी 2024 में सामने आया था। प्रिंसिपल के तहत, प्रिंसिपल फोटोग्राफी के तहत इसका रिकॉर्ड किया गया और इसे इस फिल्म को बाजाबता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी, जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और प्रसन्ना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ होना था, लेकिन नामालूम वजहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रायान एक सादा सा नौजवान है जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए कातिलों की तलाश में निकलता है, जहां कातिलों को तलाश करने की इस जस्तजू इसे मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह के ज़रिए ले जाती है। यानी कि
स्टोरी में आप देखेंगे कि एक नौजवान जो अपने ख़ानदान का बदला लेना चाहता है तो उस बदले की आग में वो गलत रास्ते की तरफ चल निकलता है। यानी कि ये मूवी फाइटिंग मूवी होगी और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की तरफ। इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नज़र आएगा। दोस्तों इस मूवी में दिनेश बतौर रायान के रोल में आपको नज़र आएंगे। रायान राया एस जे सूर्या जो हैं वो इस मूवी में प्रकाश राज के रोल में नज़र आएंगे। सिलोर घून संदीप किशन रायान के भाई के तौर पर इस मूवी में आपको नज़र आएंगे। कालीदास जे राम बतौर रायान के भाई के रोल में नज़र आएंगे। दिशार ओ जीन बतौर रायान की बहन। अपर्णा बाला मवाली वारा लक्ष्मी सरदार्थ कुमार के रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा सर ओवान और इसके अलावा अगर बात कर लें दोस्तों ये जो मूवी है दिसंबर 2017 को दिनेश ने ऐलान किया कि मैं ये एक मूवी बनाने जा रहा हूँ और पांडी 2017 के बाद अपनी दूसरी हिदायतकारी के लिए वो थंडल स्टूडियो लिमिटेड के हेड रिज हेमार कमानी और मरली रामा सामी के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने 29 के मज़ीद कहा कि वो मरकज़ी किरदार भी इस मूवी में अदा करेंगे। अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी जिसके लिए 7 सितंबर 2018 को चेन्नई में एक मुहूर्त पूजा का इनेकाद किया गया था। तमिल और तेलुगु जबानों में रिलीज़ होने वाली 1-2 लसानी फिल्म होने का दावा किया गया है। इसमें नागार जिन अतिथि राव हैदरी एस जे सूर्या और सर कुमार और श्रीकांत शामिल होंगे। म्यूजिक कंपोज शान रोल्डन सिनेमाग्राफर ओम प्रकाश और एडिटिंग पर जो है ना ये काम प्रसन्ना जी के हवाले किया गया और प्रसन्ना जी को इसके बोर्ड की तरफ भी लाया गया। राकमानी ने कहा कि ये एक मुतासर कुन कहानी है और दिनेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो एक तवील अरसे से जहन में रखते हैं। फिल्म के बारे में बहुत परजोश है और जब हमने स्क्रिप्ट को सुना तो हम समझ गए कि क्यों वेंचर के प्रेस लॉन्च के दौरान ये रिलीज़ होने जा रही है। इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हो गई जिस महीने ऐलान किया गया था। मार्च 2019 के वेल में नामा निगारों ने दावा किया कि इस वेंचर को रोक दिया गया था ये बताते हुए कि इस वेंचर को सिर्फ DD2 आर्थिक तौर पर चंद बिट्स में शूट किया गया था। बुनियादी तौर पर कास्ट के शेड्यूल की वजह से बाद में ये इतला मिली कि इसे महफूज नहीं किया गया था बल्कि इसे रोक दिया गया था क्योंकि धनुष असुरन की फिल्म बंदी में मसरूफ थे। जून 2020 में दिनेश के बड़े भाई सिलोर भोवन के बारे में बताया गया कि अदाकार ने वेंचर के एक हिस्से की हिदायतकारी के लिए रابطہ किया क्योंकि दिनेश अपने मौजूदा वादों में मसरूफ वबाई मर्ज के लिए ख़त्म होने के बाद शुरू होगा जो बाद में गलत साबित हुआ। 2 साल के बाद कोविड-19 आ गया। इस मनसूबे के बाद स्टॉल पर लगा दिया गया। तहम ये इतला दी गई थी कि ये स्क्रिप्ट को बहाल करने की बजाय दिनेश मुबैना तौर पर एक नई कहानी लिखेंगे जिसके लिए सन पैकेज के कलनीति मॉडर्न ने फंड किया है। प्रोडक्शन हाउस ने 18 जनवरी को 2023 का अनुमान दिया गया। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रायान 19 फरवरी 2024 को सामने आया था। D50 अवामी तोहफा इस मनसूबे का ऐलान किया और इसे आर्जी तौर पर ख़त्म भी कर दिया गया। दोस्तों ज़्यादातर फिल्म जो है ये चेन्नई में इसको शूट किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 5 जुलाई 2023 को एस्ट पोस्ट रोड चेन्नई में फिल्म की कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक इफ्तिताही पूजा की तकरीब से हुआ। फिल्म बंदी भी वहाँ थोड़ी देर तक चलती रही।
इससे पहले कि वो चेन्नई के आदित्य राम स्टूडियोज में तकरीबन 500 घरों के साथ एक बड़े सेट पर चले गए, जहां बाकी शेड्यूल की शूटिंग जारी रही। शेड्यूल में सूर्या और संदीप के मनाज़े शामिल थे। दूसरा शेड्यूल नवंबर के वस्त में कार्रवाई को डी में शुरू हुआ, जो एक हफ्ते तक जारी रहा। फिल्म बंदी ख़त्म होने के करीब पहुंच गई। जैसा कि दिनेश ने कहा, 1 अक्टूबर को 14 दिसंबर को दिनेश ने ट्वीट किया कि शूटिंग ख़त्म हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन के तहत फिल्म की प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो डबिंग का काम फरवरी 2024 के आखिर में PVTL TD सोमेश गोपाल और इनेश दिया नदन बसरी असरात के निगरान है। डिजिटल बक्स इंटरटेनमेंट शुरू हुआ और मार्च के ओएल तक मुकम्मल हो गया। रहमान ने 28 मई को दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन का इंतजाम किया, जिसकी तस्दीक दिनेश ने अपने सोशल मीडिया पैकेज के जरिए कर दी गई। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है धनुष, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम भी धनुष ही है। इसके अलावा इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है कालंती मारन, और इस मूवी के जो मेन किरदार हैं, हीरो हैं, तो उनका नाम भी जो है दोस्तों वो धनुष ही है। इसके साथ रहे हैं एस जे सूर्या, संदीप किशान, कालिदास जयराम, इसके अलावा सिल वेरा घाविन, इसके अलावा प्रकाश राज, दूसरा विज्ञान अपारा बिलम मुरली वारा लक्ष्मी, इसके अलावा सेमोग्राफी ओम प्रकाश ने की है। एडिट जो की है वो परसाना जी के ने किया है। म्यूजिक इस मूवी का दी है ए आर रहमान ने। प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स की तरफ से है, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है सी बिलो ने। रिलीज डेट है इसकी 26 जुलाई 2024, और इसका रनिंग टाइम है 145 मिनट्स। कंट्री इसकी इंडिया है, और जो लैंग्वेज है वो है जी तमिल। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 100 करोड़ की लागत आई। आप देखते हैं कि इस मूवी पे लागत 100 करोड़ आई है, और ये कितना बिजनेस करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, बस कुछ ही दिनों तक रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है जी ओवरऑल पूरी इस मूवी की स्टोरी, जो कि हमने आपको दी। यकीनन आपको पसंद आई होगी, और अब आप सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को देख भी सकते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो यकीन आपको मूवी भी पसंद आएगी। रायान एक आने वाली हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे धनेश ने अपनी दूसरी हिदायतकारी में लिखा और हिदायतकारी की। ये फिल्म सन पैकेज के तहत काला नीति मारन ने प्रोड्यूस की है। इसमें एस जे सूर्या, प्रकाश राज, सिलवार घवान, संदीप किशन, कालिदास जयराम, दिशार उज्जैन, अपर्णा बालमोरली, पारा लक्ष्मी, सरतार कुमार और सरवानन की एक जोड़ी कास्ट के साथ दिनेश ने टाइटल रोल में काम किया है। क्योंकि ये दिनेश की बतौर मरकजी किरदार की 50वीं फिल्म है, और सरकारी टाइटल फरवरी 2024 में सामने आया था। प्रिंसिपल के तहत प्रिंसिपल फोटोग्राफी के तहत इसके लिए काम किया गया, और इस फिल्म को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी, जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और परसना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ होना था,
لیکن نامعلوم وجہات کی بنا پر اسے ملتوی کر دیا گیا۔ اگر اس مووی کی سٹوری کی بات کر لیں تو دوستو اس مووی کی سٹوری میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ریان ایک سادہ سا نوجوان ہے جو اپنے خاندان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے قاتلوں کی تلاش میں نکلتا ہے، جہاں قاتلوں کو تلاش کرنے کی اس جستجو اسے منظم جرائم کے گروہ کے ذریعے لے جاتی ہے۔ یعنی کہ سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نوجوان جو اپنے خاندان کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس بدلے کی آگ میں وہ غلط راستے کی طرف چل نکلتا ہے۔ یعنی کہ یہ مووی فائٹنگ مووی ہوگی، اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس مووی کی کاسٹنگ کی طرف، اس مووی میں کون کیا کردار ادا کرتا آپ کو نظر آئے گا۔ دوستو اس مووی میں دنیش بطور رایان کے رول میں آپ کو نظر آئیں گے، رایان رایا، ایس جے سوریہ جو ہیں وہ اس مووی میں پرکاش راج کے رول میں نظر آئیں گے، سلور گھون سندیپ کشن رایان کے بھائی کے طور پر اس مووی میں آپ کو نظر آئیں گے، کالی داس جے رام بطور رایان کے بھائی کے رول میں نظر آئیں گے، دشار او جین بطور رایان کی بہن، اپرنا بالا موالی وارا لکشمی سردارتھ کمار کے رول میں نظر آئیں گے، اس کے علاوہ سر اوان، اور اس کے علاوہ اگر بات کر لیں دوستو یہ جو مووی ہے دسمبر 2017 کو دنیش نے اعلان کیا کہ میں یہ ایک مووی بنانے جا رہا ہوں، اور پانڈی 2017 کے بعد اپنی دوسری ہدایت کاری کے لیے وہ تھنڈل اسٹوڈیو لمیٹڈ کے ہیڈ رز ہیمار کمانی اور مرلی راما سامی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے 29 کے مزید کہا کہ وہ مرکزی کردار بھی اس مووی میں ادا کریں گے۔ اگلے سال پروڈکشن شروع ہو جائے گی، جس کے لیے 7 ستمبر 2018 کو چنئی میں ایک مہورت پوجا کا انعقاد کیا گیا تھا۔ تامل اور تیلگو زبانوں میں ریلیز ہونے والی ایک دو لسانی فلم ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس میں ناگار جن اتیتی راؤ حیدری ایس جے سوریہ اور سرت کمار اور سری کانت شامل ہوں گے۔ میوزک کمپوز شان رولڈن، سینما گرافر اوم پرکاش، اور ایڈیٹنگ پر جو ہے نا یہ کام پرسنا جی کے حوالے کیا گیا، اور پرسنا جی کو اس کے بورڈ کی طرف بھی لایا گیا۔ راکمانی نے کہا کہ یہ ایک متاثر کن کہانی ہے اور دنیش کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے جسے وہ ایک طویل عرصے سے ذہن میں رکھتے ہیں۔ فلم کے بارے میں بہت پرجوش ہے، اور جب ہم نے اسکرپٹ کو سنا تو ہم سمجھ گئے کہ کیوں وینچر کے پریس لانچ کے دوران یہ ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس فلم کی جو پرنسپل فوٹوگرافی اسی مہینے شروع ہو گئی جس میں اعلان کیا گیا تھا۔ مارچ 2019 کے ویل میں نامہ نگاروں نے دعویٰ کیا کہ اس وینچر کو روک دیا گیا تھا، یہ بتاتے ہوئے کہ اس وینچر کو صرف DD2 عارضی طور پر چند بٹس میں شوٹ کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر کاسٹ کے شیڈول کی وجہ سے بعد میں یہ اطلاع ملی کہ اسے محفوظ نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسے روک دیا گیا تھا کیونکہ دھنوش اسورن کی فلم بندی میں مصروف تھے۔ جون 2020 میں دنیش کے بڑے بھائی سلور بھون کے بارے میں بتایا گیا کہ اداکار نے وینچر کے ایک حصے کی ہدایت کاری کے لیے رابطہ کیا کیونکہ دنیش اپنے موجودہ وعدوں میں مصروف، وبائی مرض کے لیے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگا جو بعد میں غلط ثابت ہوا۔ دو سال کے بعد COVID-19 آ گیا، اس منصوبے کے بعد اسٹال پر لگا دیا گیا۔ تاہم یہ اطلاع دی گئی تھی کہ یہ اسکرپٹ کو بحال کرنے کی بجائے دنیش مبینہ طور پر ایک نئی کہانی لکھیں گے جس کے لیے سن پیکج کے کلیتی مارن نے فنڈ کیا ہے۔ پروڈکشن ہاؤس نے 18 جنوری کو 2023 کا عنوان دیا گیا۔ فلم کا آفیشیل ٹائٹل ریان 19 فروری 2024 کو سامنے آیا تھا۔
ڈی 50 عوامی توبہ اس منصوبے کا اعلان کیا اور اسے عارضی طور پر ختم بھی کر دیا گیا۔ دوستو زیادہ تر فلم جو ہے یہ چنئی میں اس کو شوٹ کیا گیا۔ پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 5 جولائی 2023 کو ایسٹ کوسٹ روڈ چنئی میں فلم کی کاسٹ اور عملے کی موجودگی کے ساتھ ایک افتتاحی پوجا کی تقریب سے ہوا۔ فلم بندی بھی وہاں تھوڑی دیر تک چلتی رہی اس سے پہلے کہ وہ چنئی کے آدتیہ رام اسٹوڈیوز میں تقریباً 500 گھروں کے ساتھ ایک بڑے سیٹ پر چلے گئے جہاں باقی شیڈول کی شوٹنگ جاری رہی۔ شیڈول میں سوریہ اور سندیپ کے مناظر شامل تھے۔ دوسرا شیڈول نومبر کے وسط میں کارروائی کو ڈی میں شروع ہوا جو ایک ہفتے تک جاری رہا۔ فلم بندی ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی جیسا کہ دنیش نے کہا 1 اکتوبر کو۔ 14 دسمبر کو دنیش نے ٹویٹ کیا کہ شوٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ پوسٹ پروڈکشن کے تحت فلم کی پرنسپل ویژول افیکٹس اسٹوڈیو ڈبنگ کا کام 2024 کے آخر میں پی وی ٹی ایل ٹی ڈی سومیش گوپال اور انیش دیا ندن بصری اثرات کے نگران ہے۔ ڈیجیٹل بکس انٹرٹینمنٹ شروع ہوا اور مارچ کے اوائل تک مکمل ہو گیا۔ رحمان نے 28 مئی کو دوبارہ ریکارڈنگ سیشن کا اہتمام کیا جس کی تصدیق دنیش نے اپنے سوشل میڈیا پیکج کے ذریعے کر دی گئی۔ اب میں آپ کو اس مووی کی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ دوستو اس مووی کو جس نے کانٹیکٹ کیا ہے ان کا نام ہے دھنوش اور رائٹر جو ہے اس مووی کے ان کا نام بھی دھنوش ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کو جس نے پروڈیوس کیا ہے ان کا نام ہے کالنتی مارن اور اس مووی کے جو مین کردار ہیں ہیرو ہیں تو ان کا نام بھی جو ہے دوستو وہ دھنوش ہی ہے۔ اس کے ساتھ رہے ہیں ایس جے سوریہ، سندیپ کشان، کالیداس، جیارام، اس کے علاوہ سل ویرا گھاون، اس کے علاوہ پرکاش راج، دوسرا ویجیان، اپارا بلم مرلی، وارا لکشمی، اس کے علاوہ سینماگرافی اوم پرکاش نے کی ہے۔ ایڈٹ جو کی ہے وہ پرسانہ جی کے نے کیا ہے۔ میوزک اس مووی کا دی ہے اے آر رحمان نے۔ پروڈکشن کمپنی سن پکچرز کی طرف سے ہے اور اس مووی کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے سی بلو نے۔ ریلیز ڈیٹ ہے اس کی 26 جولائی 2024 اور اس کا رننگ ٹائم ہے 145 منٹس۔ کنٹری اس کی انڈیا ہے اور جو لینگویج ہے وہ ہے جی تامل۔ اس فلم کے اوپر جو لاگت آئی وہ ہے جی 100 کروڑ کی لاگت آئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مووی پہ لاگت 100 کروڑ آئی ہے اور یہ کتنا بزنس کرتی ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ ابھی تک یہ مووی ریلیز نہیں ہوئی، بس کچھ ہی دنوں تک ریلیز ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ ہے جی اوور آل پوری اس مووی کی اسٹوری جو کہ ہم نے آپ کو دی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اور اب آپ سینما گھروں میں جا کر اس مووی کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند ہے تو یقیناً آپ کو مووی بھی پسند آئے گی۔ رایان ایک آنے والی ہندوستانی تامل زبان کی ایکشن تھرلر فلم ہے جسے دھنیش نے اپنی دوسری ہدایت کاری میں لکھا اور ہدایت کاری کی۔ یہ فلم سن پیکج کے تحت کالا نیتھی مارن نے پروڈیوس کی ہے۔ اس میں ایس جے سوریہ، پرکاش راج، سلوار گھوان، سندیپ کشن، کالی داس، جے رام، دشار اور جین، اپرنا بالمورلی، وارا لکشمی، سرتار کمار اور سروانن کی ایک جوڑی کاسٹ کے ساتھ دنیش نے ٹائٹل رول میں کام کیا ہے۔ کیونکہ یہ دنیش کی بطور مرکزی کردار کی 50ویں فلم ہے اور سرکاری ٹائٹل 2024 میں سامنے آیا تھا۔ پرنسپل
के तहत फिनिशियल फोटोग्राफी के तहत इसके लिए काम किया गया और इस फिल्म को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी, जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और प्रसन्ना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होना था, लेकिन नामालूम वजहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रायान एक सादा सा नौजवान है जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए कातिलों की तलाश में निकलता है, जहां कातिलों को तलाश करने की इस जस्तजू इसे मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह के ज़रिए ले जाती है। यानी कि स्टोरी में आप देखेंगे कि एक नौजवान जो अपने ख़ानदान का बदला लेना चाहता है, तो उस बदले की आग में वो गलत रास्ते की तरफ चल निकलता है। यानी कि ये मूवी फाइटिंग मूवी होगी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की तरफ। इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नज़र आएगा। दोस्तों, इस मूवी में दिनेश बतौर रायान के रोल में आपको नज़र आएंगे। रायान राया एस जे सूर्या जो हैं वो इस मूवी में प्रकाश राज के रोल में नज़र आएंगे। सिलोर घून संदीप किशन रायान के भाई के तौर पर इस मूवी में आपको नज़र आएंगे। कालीदास जे राम बतौर रायान के भाई के रोल में नज़र आएंगे। दिशार ओ जीन बतौर रायान की बहन। अपर्णा बाला मुवाली वारा लक्ष्मी सरदार्थ कुमार के रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा सर ओवान और इसके अलावा अगर बात कर लें दोस्तों, ये जो मूवी है दिसंबर 2017 को दिनेश ने ऐलान किया कि मैं ये एक मूवी बनाने जा रहा हूँ। और पांडी 2017 के बाद अपनी दूसरी हिदायतकारी के लिए वो थिंडल स्टूडियो लिमिटेड के हेड रिज हेमार कमानी और मरली रामा सामी के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने 29 के मज़ीद कहा कि वो मरकज़ी किरदार भी इस मूवी में अदा करेंगे। अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 7 सितंबर 2018 को चेन्नई में एक मुहूर्त पूजा का इनेकाद किया गया था। तमिल और तेलुगु जबानों में रिलीज़ होने वाली एक दो लसानी फिल्म होने का दावा किया गया है। इसमें नागार जिन अतिथि राव हैदरी एस जे सूर्या और सर कुमार और श्रीकांत शामिल होंगे। म्यूजिक कंपोज शान रोल्डन सिनेमाग्राफर ओम प्रकाश और एडिटिंग पर जो है ना ये काम प्रसन्ना जी के हवाले किया गया और प्रसन्ना जी को इसके बोर्ड की तरफ भी लाया गया। राकमानी ने कहा कि ये एक मुतासर कुन कहानी है और दिनेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो एक तवील अरसे से जहन में रखते हैं। फिल्म के बारे में बहुत परजोश है और जब हमने स्क्रिप्ट को सुना तो हम समझ गए कि क्यों वेंचर के प्रेस लॉन्च के दौरान ये रिलीज़ होने जा रही है। इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हो गई जिसमें ऐलान किया गया था। मार्च 2019 के वेल में नामा निगारों ने दावा किया कि इस वेंचर को रोक दिया गया था, ये बताते हुए कि इस वेंचर को सिर्फ DD2 आरजी तौर पर चंद बिट्स में शूट किया गया था। बुनियादी तौर पर कास्ट के शेड्यूल की वजह से बाद में ये इतला मिली कि इसे महफूज नहीं किया गया था, बल्कि इसे रोक दिया गया था क्योंकि धनुष असुरन की फिल्म बंदी में मसरूफ थे। जून 2020 में दिनेश के बड़े भाई सिलोर भुवन के बारे में बताया गया कि अदाकार ने वेंचर के एक हिस्से की हिदायतकारी के लिए रब्ता किया क्योंकि दिनेश अपने मौजूदा वादों में मसरूफ वबाई मर्ज के लिए ख़त्म होने के बाद शुरू होगा, जो बाद में गलत साबित हुआ।
दो साल के बाद कोविड-19 आ गया, इस मंसूबे के बाद स्टॉल पर लगा दिया गया। तहम ये इतला दी गई थी कि ये स्क्रिप्ट को बहाल करने की बजाय दिनेश मुबैना तौर पर एक नई कहानी लिखेंगे, जिसके लिए सन पैकेज के कलिति मॉडर्न ने फंड किया है। प्रोडक्शन हाउस ने 18 जनवरी को 2023 का अनुमान दिया गया। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रायान 19 फरवरी 2024 को सामने आया था। D50 अवामी तोहफा इस मनसूबे का ऐलान किया और इसे आर्जी तौर पर ख़त्म भी कर दिया गया। दोस्तों ज़्यादातर फिल्म जो है ये चेन्नई में इसको शूट किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 5 जुलाई 2023 को एस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में फिल्म की कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक इफ्तिताही पूजा की तकरीब से हुआ। फिल्म बंदी भी वहाँ थोड़ी देर तक चलती रही, इससे पहले कि वह चेन्नई के आदित्य राम स्टूडियोज़ में तकरीबन 500 घरों के साथ एक बड़े सेट पर चले गए, जहां बाकी शेड्यूल की शूटिंग जारी रही। शेड्यूल में सूर्या और संदीप के मनाज़िर शामिल थे। दूसरा शेड्यूल नवंबर के वस्त में कार्रवाई को डी में शुरू हुआ, जो एक हफ्ते तक जारी रहा। फिल्म बंदी ख़त्म होने के करीब पहुंच गई, जैसा कि दिनेश ने कहा 1 अक्टूबर को। 14 दिसंबर को दिनेश ने ट्वीट किया कि शूटिंग ख़त्म हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन के तहत फिल्म की प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट स्टूडियो डबिंग का काम फरवरी 2024 के आखिर में PVTL TD सोमेश गोपाल और इनेश दिया नदन बसरी असरात के निगरान है। डिजिटल बक्स इंटरटेनमेंट शुरू हुआ और मार्च के ओएल तक मुकम्मल हो गया। रहमान ने 28 मई को दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन का इंतजाम किया, जिसकी तस्दीक दिनेश ने अपने सोशल मीडिया पैकेज के ज़रिए कर दी गई। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने कॉन्टैक्ट किया है उनका नाम है धनुष, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम भी धनुष ही है। इसके अलावा इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है कालंती मारन, और इस मूवी के जो मेन किरदार हैं हीरो हैं तो उनका नाम भी जो है दोस्तों वो धनुष ही है। इसके साथ दे रहे हैं SJ सूर्या, संदीप किशान, कालिदास, जयराम, इसके अलावा सिल वेरा घाबिन, इसके अलावा प्रकाश राज, दूसरा वेजियान, अपारा बिलम बिलम मुरली, वारा लक्ष्मी, इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी ओम प्रकाश ने की है। एडिट जो की है वो परसाना जी के ने किया है। म्यूजिक इस मूवी का दी है AR रहमान ने। प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स की तरफ से है और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है CBLO ने। रिलीज़ डेट है इसकी 26 जुलाई 2024 और इसका रनिंग टाइम है 145 मिनट्स। कंट्री इसकी इंडिया है और जो लैंग्वेज है वो है जी तमिल। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 100 करोड़ की लागत आई। अब देखते हैं कि इस मूवी पे लागत 100 करोड़ आई है और ये कितना बिजनेस करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, बस कुछ ही दिनों तक रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये है जी ओवरऑल पूरी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको दी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। और अब आप सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को देख भी सकते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो यकीन आपको मूवी भी पसंद आएगी। रायान एक आने वाली हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे धनेश ने अपनी दूसरी हिदायतकारी में लिखा और हिदायतकारी की। ये फिल्म सन पैकेज के तहत काला नीथी मारन ने प्रोड्यूस की है। इसमें SJ सूर्या, प्रकाश राज, सिलवार घवान, संदीप किशन, कालिदास, जयराम, दिशार, उज्जैन, अपर्णा बालमोरली,
कुवारा, लक्ष्मी, सरतार कुमार और सर्वानंद की एक जोड़ी कास्ट के साथ दिनेश ने टाइटल रोल में काम किया है, क्योंकि ये दिनेश की बतौर मरकजी किरदार की 50वीं फिल्म है और सरकारी टाइटल फरवरी 2024 में सामने आया था। प्रिंसिपल के तहत, प्रिंसिपल फोटोग्राफी के तहत इसके लिए काम किया गया और इसे इस फिल्म को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी, जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और प्रसन्ना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होना था, लेकिन नामालूम वजहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रायान एक सादा सा नौजवान है जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए कातिलों की तलाश में निकलता है, जहां कातिलों को तलाश करने की इस जस्तजू इसे मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह के ज़रिए ले जाती है। यानी कि स्टोरी में आप देखेंगे कि एक नौजवान जो अपने ख़ानदान का बदला लेना चाहता है, तो उस बदले की आग में वो गलत रास्ते की तरफ चल निकलता है। यानी कि ये मूवी फाइटिंग मूवी होगी और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की तरफ। इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नज़र आएगा। दोस्तों, इस मूवी में दिनेश बतौर रायान के रोल में आपको नज़र आएंगे। रायान राया, एस जे सूर्या जो हैं वो इस मूवी में प्रकाश राज के रोल में नज़र आएंगे। सिलोर घून संदीप किशन रायान के भाई के तौर पर इस मूवी में आपको नज़र आएंगे। कालीदास जे राम बतौर रायान के भाई के रोल में नज़र आएंगे। दिशार ओ जीन बतौर रायान की बहन। अपर्णा बाला मवाली वारा लक्ष्मी सरदार कुमार के रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा सर ओवान और इसके अलावा अगर बात कर लें दोस्तों, ये जो मूवी है दिसंबर 2017 को दिनेश ने ऐलान किया कि मैं ये एक मूवी बनाने जा रहा हूँ और पांडी 2017 के बाद अपनी दूसरी हिदायतकारी के लिए वो थंडल स्टूडियो लिमिटेड के हेड रिज हेमार कमानी और मरली रामा सामी के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने 29 के मज़ीद कहा कि वो मरकज़ी किरदार भी इस मूवी में अदा करेंगे। अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 7 सितंबर 2018 को चेन्नई में एक मुहूर्त पूजा का इनेकाद किया गया था। तमिल और तेलुगु जबानों में रिलीज़ होने वाली एक दो लसानी फिल्म होने का दावा किया गया है। इसमें नागार जिन, अतिथि राव हैदरी, एस जे सूर्या और सरत कुमार और श्रीकांत शामिल होंगे। म्यूजिक कंपोज शान रोल्डन, सिनेमाग्राफर ओम प्रकाश और एडिटिंग पर जो है ना ये काम प्रसन्ना जी के हवाले किया गया और प्रसन्ना जी को इसके बोर्ड की तरफ भी लाया गया। राकमानी ने कहा कि ये एक मुतासर कुन कहानी है और दिनेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो एक तवील अरसे से जहन में रखते हैं। फिल्म के बारे में बहुत परजोश है और जब हमने स्क्रिप्ट को सुना तो हम समझ गए कि क्यों वेंचर के प्रेस लॉन्च के दौरान ये रिलीज़ होने जा रही है। इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हो गई जिसमें ऐलान किया गया था। मार्च 2019 के वैल में नामा निगारों ने दावा किया कि इस वेंचर को रोक दिया गया था, ये बताते हुए कि इस वेंचर को सिर्फ DD2 आरजी तौर पर चंद बिट्स में शूट किया गया था। बुनियादी तौर पर कास्ट के शेड्यूल की वजह से बाद में ये इतला मिली कि इसे महफूज नहीं किया गया था, बल्कि इसे रोक दिया गया था, क्योंकि धनुष असुरन
کی فلم بندی میں مصروف تھے۔ جون 2020 میں دنیش کے بڑے بھائی سلور گھوون کے بارے میں بتایا گیا کہ اداکار نے وینچر کے ایک حصے کی ہدایت کاری کے لیے رابطہ کیا کیونکہ دنیش اپنے موجودہ وعدوں میں مصروف، وبائی مرض کے لیے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگا جو بعد میں غلط ثابت ہوا۔ دو سال کے بعد COVID-19 آ گیا، اس منصوبے کے بعد اسٹال پر لگا دیا گیا۔ تاہم یہ اطلاع دی گئی تھی کہ یہ اسکرپٹ کو بحال کرنے کی بجائے دنیش مبینہ طور پر ایک نئی کہانی لکھیں گے جس کے لیے سن پیکج کے کلیتی مارن نے فنڈ کیا ہے۔ پروڈکشن ہاؤس نے 18 جنوری کو 2023 کا عنوان دیا گیا۔ فلم کا آفیشیل ٹائٹل رایان 19 فروری 2024 کو سامنے آیا تھا۔ D50 عوامی توبہ اس منصوبے کا اعلان کیا اور اسے عارضی طور پر ختم بھی کر دیا گیا۔ دوستو زیادہ تر فلم جو ہے یہ چنئی میں اس کو شوٹ کیا گیا۔ پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 5 جولائی 2023 کو ایسٹ کوسٹ روڈ چنئی میں فلم کی کاسٹ اور عملے کی موجودگی کے ساتھ ایک افتتاحی پوجا کی تقریب سے ہوا۔ فلم بندی بھی وہاں تھوڑی دیر تک چلتی رہی اس سے پہلے کہ وہ چنئی کے آدتیہ رام اسٹوڈیوز میں تقریباً 500 گھروں کے ساتھ ایک بڑے سیٹ پر چلے گئے جہاں باقی شیڈول کی شوٹنگ جاری رہی۔ شیڈول میں سوریہ اور سندیپ کے مناظر شامل تھے۔ دوسرا شیڈول نومبر کے وسط میں کارروائی کو ڈی میں شروع ہوا جو ایک ہفتے تک جاری رہا۔ فلم بندی ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی جیسا کہ دنیش نے کہا 1 اکتوبر کو۔ 14 دسمبر کو دنیش نے ٹویٹ کیا کہ شوٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ پوسٹ پروڈکشن کے تحت فلم کی پرنسپل ویژول افیکٹ اسٹوڈیو ڈبنگ کا کام 2024 کے آخر میں PVTLTD سومیش گوپال اور انیش دیا ندن بصری اثرات کے نگران ہے۔ ڈیجیٹل برکس انٹرٹینمنٹ شروع ہوا اور مارچ کے اوائل تک مکمل ہو گیا۔ رحمان نے 28 مئی کو دوبارہ ریکارڈنگ سیشن کا اہتمام کیا جس کی تصدیق دنیش نے اپنے سوشل میڈیا پیکج کے ذریعے کر دی گئی۔ اب میں آپ کو اس مووی کی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ دوستو اس مووی کو جس نے ڈائریکٹ کیا ہے ان کا نام ہے دھنوش، اور رائٹر جو ہے اس مووی کے ان کا نام بھی دھنوش ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کو جس نے پروڈیوس کیا ہے ان کا نام ہے کالنتی مارن، اور اس مووی کے جو مین کردار ہیں ہیرو ہیں تو ان کا نام بھی جو ہے دوستو وہ دھنوش ہی ہے۔ اس کے ساتھ رہے ہیں ایس جے سوریہ، سندیپ کشان، کالیداس جیارام، اس کے علاوہ سل ویرا گھاون، اس کے علاوہ پرکاش راج، دوسرا ویجیان، اپارا بلم مرلی، وارا لکشمی، اس کے علاوہ سینماگرافی اوم پرکاش نے کی ہے۔ ایڈٹ جو کی ہے وہ پرسانا جی کے نے کیا ہے۔ میوزک اس مووی کا دی ہے اے آر رحمان نے۔ پروڈکشن کمپنی سن پکچرز کی طرف سے ہے اور اس مووی کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے سی بلو نے۔ ریلیز ڈیٹ ہے اس کی 26 جولائی 2024، اور اس کا رننگ ٹائم ہے 145 منٹس۔ کنٹری اس کی انڈیا ہے اور جو لینگویج ہے وہ ہے جی تامل۔ اس فلم کے اوپر جو لاگت آئی وہ ہے جی 100 کروڑ کی لاگت آئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مووی پہ لاگت 100 کروڑ آئی ہے اور یہ کتنا بزنس کرتی ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ ابھی تک یہ مووی ریلیز نہیں ہوئی، بس کچھ ہی دنوں تک ریلیز ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ ہے جی اوور آل پوری اس مووی کی اسٹوری جو کہ ہم نے آپ کو دی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور اب آپ سینما گھروں میں جا کر اس مووی کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند ہے تو یقیناً آپ کو مووی بھی پسند آئے گی۔
रायान एक आने वाली हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे धनेश ने अपनी दूसरी हिदायतकारी में लिखा और हिदायतकारी की। ये फिल्म सन पैकेज के तहत काला नीथी मारन ने प्रोड्यूस की है। इसमें एस जे सूर्या, प्रकाश राज, सिलवार घवान, संदीप किशन, कालिदास, जयराम दिशार, उज्जैन अपर्णा, बालमोरली पारा, लक्ष्मी सरतार कुमार और सरवानन की एक जोड़ी कास्ट के साथ दिनेश ने टाइटल रोल में काम किया है, क्योंकि ये दिनेश की बतौर मरकजी किरदार की 50वीं फिल्म है और सरकारी टाइटल फरवरी 2024 में सामने आया था। प्रिंसिपल के तहत, प्रिंसिपल फोटोग्राफी के तहत इसके लिए काम किया गया और इसे इस फिल्म को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी, जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और प्रसन्ना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होना था, लेकिन नामालूम वजहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रायान एक सादा सा नौजवान है जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए कातिलों की तलाश में निकलता है, जहां कातिलों को तलाश करने की इस जस्तजू इसे मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह के ज़रिए ले जाती है। यानी कि स्टोरी में आप देखेंगे कि एक नौजवान जो अपने ख़ानदान का बदला लेना चाहता है, तो उस बदले की आग में वो गलत रास्ते की तरफ चल निकलता है। यानी कि ये मूवी फाइटिंग मूवी होगी और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की तरफ। इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नज़र आएगा। दोस्तों, इस मूवी में दिनेश बतौर रायान के रोल में आपको नज़र आएंगे। रायान राया, एस जे सूर्या जो है वो इस मूवी में प्रकाश राज के रोल में नज़र आएंगे। सिलोर घून संदीप किशन रायान के भाई के तौर पर इस मूवी में आपको नज़र आएंगे। कालिदास जे राम बतौर रायान के भाई के रोल में नज़र आएंगे। दिशार ओजीन बतौर रायान की बहन, अपर्णा बाला मोवाली वारा, लक्ष्मी सरदार कुमार के रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा सर ओवान और इसके अलावा अगर बात कर लें दोस्तों, ये जो मूवी है दिसंबर 2017 को दिनेश ने ऐलान किया कि मैं ये एक मूवी बनाने जा रहा हूँ और पांडी 2017 के बाद अपनी दूसरी हिदायतकारी के लिए वो हिंडल स्टूडियो लिमिटेड के हेड रिज हेमार कमानी और मरली रामा सामी के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने 29 के मज़ीद कहा कि वो मरकज़ी किरदार भी इस मूवी में अदा करेंगे। अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 7 सितंबर 2018 को चेन्नई में एक मुहूर्त पूजा का इनेकाद किया गया था। तमिल और तेलुगु जबानों में रिलीज होने वाली एक दो लसानी फिल्म होने का दावा किया गया है। इसमें नागार जिन, अतिथि राव हैदरी, एस जे सूर्या और सर कुमार और श्रीकांत शामिल होंगे। म्यूजिक कंपोज शान रोल्डन, सिनेमाग्राफर ओम प्रकाश और एडिटिंग पर जो है ना ये काम प्रसन्ना जी के हवाले किया गया और प्रसन्ना जी को इसके बोर्ड की तरफ भी लाया गया। राकमानी ने कहा कि ये एक मुतासर कुन कहानी है और दिनेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो एक तवील अरसे से जहन में रखते हैं। फिल्म के बारे में बहुत परजोश है और जब हमने स्क्रिप्ट को सुना तो हम समझ गए कि क्यों वेंचर के प्रेस लॉन्च के दौरान ये रिलीज़ होने जा रही है।
इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हो गई जिसमें ऐलान किया गया था। मार्च 2019 के वेल में नामा निगारों ने दावा किया कि इस वेंचर को रोक दिया गया था, ये बताते हुए कि इस वेंचर को सिर्फ DD2 RG तौर पर चंद मिनट्स में शूट किया गया था। बुनियादी तौर पर कास्ट के शेड्यूल की वजह से बाद में ये इतला मिली कि इसे महफूज नहीं किया गया था बल्कि इसे रोक दिया गया था क्योंकि धनोश असूरन की फिल्म बंदी में मसरूफ थे। जून 2020 में दिनेश के बड़े भाई सिलोर भोवन के बारे में बताया गया कि अदाकार ने वेंचर के एक हिस्से की हिदायतकारी के लिए रब्ता किया क्योंकि दिनेश अपने मौजूदा वादों में मसरूफ वबाई मर्ज के लिए ख़त्म होने के बाद शुरू होगा जो बाद में गलत साबित हुआ। दो साल के बाद कोविड-19 आ गया, इस मंसूबे के बाद स्टॉल पर लगा दिया गया। तहम ये इतला दी गई थी कि ये स्क्रिप्ट को बहाल करने की बजाय दिनेश मुबैना तौर पर एक नई कहानी लिखेंगे जिसके लिए सन पैकेज के कलनीति मॉडर्न ने फंड किया है। प्रोडक्शन हाउस ने 18 जनवरी को 2023 का अनुमान दिया गया। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रायान 19 फरवरी 2024 को सामने आया था। D50 अवामी तौबा इस मंसूबे का ऐलान किया और इसे आर्जी तौर पर ख़त्म भी कर दिया गया। दोस्तों ज़्यादातर फिल्म जो है ये चेन्नई में इसको शूट किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 5 जुलाई 2023 को एस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में फिल्म की कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक इफ्तिताही पूजा की तकरीब से हुआ। फिल्म बंदी भी वहाँ थोड़ी देर तक चलती रही इससे पहले कि वो चेन्नई के आदित्य राम स्टूडियोज़ में तकरीबन 500 घरों के साथ एक बड़े सेट पर चले गए जहां बाकी शेड्यूल की शूटिंग जारी रही। शेड्यूल में सूर्या और संदीप के मनाज़िर शामिल थे। दूसरा शेड्यूल नवंबर के वस्त में कार्रवाई को डी में शुरू हुआ जो एक हफ्ते तक जारी रहा। फिल्म बंदी ख़त्म होने के करीब पहुंच गई जैसा कि दिनेश ने कहा 1 अक्टूबर को। 14 दिसंबर को दिनेश ने ट्वीट किया कि शूटिंग ख़त्म हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन के तहत फिल्म की प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो डबिंग का काम फरवरी 2024 के आखिर में PVTL TD सोमेश गोपाल और इनेश दिया नद्दन बसरी असरात के निगरान है। डिजिटल बक्स इंटरटेनमेंट शुरू हुआ और मार्च के ओएल तक मुकम्मल हो गया। रहमान ने 28 मई को दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन का इंतजाम किया जिसकी तस्दीक दिनेश ने अपने सोशल मीडिया पैकेज के जरिए कर दी गई। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने कॉन्टैक्ट किया है उनका नाम है धनोश और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम भी धनोश ही है। इसके अलावा इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है कालंती मारन और इस मूवी के जो मेन किरदार हैं हीरो हैं तो उनका नाम भी जो है दोस्तों वो धनोश ही है। इसके साथ दे रहे हैं SJ सूर्या, संदीप किशान, कालिदास, जयराम, इसके अलावा सिल वेरा घाविन, इसके अलावा प्रकाश राज, दूसरा वेजियान, अपारा बिलम मुरली वारा लक्ष्मी, इसके अलावा सेमोग्राफी ओम प्रकाश ने की है। एडिट जो की है वो परसाना जी के ने किया है। म्यूजिक इस मूवी का दी है AR रहमान ने। प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स की तरफ से है और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है CBLO ने। रिलीज़ डेट है इसकी 26 जुलाई 2024 और इसका रनिंग टाइम है 145 मिनट्स। कंट्री इसकी इंडिया है और जो लैंग्वेज है वो है जी तमिल।
इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 100 करोड़ की लागत आई। अब देखते हैं कि इस मूवी पे लागत 100 करोड़ आई है और ये कितना बिजनेस करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, बस कुछ ही दिनों तक रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये है जी ओवरऑल पूरी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको दी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। और अब आप सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को देख भी सकते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो यकीन आपको मूवी भी पसंद आएगी। रायान एक आने वाली हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे धनेश ने अपनी दूसरी हिदायतकारी में लिखा और हिदायतकारी की। ये फिल्म सन पैकेज के तहत काला नीति मारन ने प्रोड्यूस की है। इसमें एस जे सूर्या, प्रकाश राज, सिलवार घवान, संदीप किशन, कालिदास, जयराम दिशार, उज्जैन अपर्णा, बालमोरली वारा, लक्ष्मी सरतार कुमार और सरवानन की एक जोड़ी कास्ट के साथ दिनेश ने टाइटल रोल में काम किया है। क्योंकि ये दिनेश की बतौर मरकजी किरदार की 50वीं फिल्म है और सरकारी टाइटल फरवरी 2024 में सामने आया था। प्रिंसिपल के तहत प्रिंसिपल फोटोग्राफी के तहत इसके लिए काम किया गया और इसे इस फिल्म को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और प्रसन्ना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ होना था लेकिन नामालूम वजहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रायान एक सादा सा नौजवान है जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए कातिलों की तलाश में निकलता है, जहां कातिलों को तलाश करने की इस जस्तजू इसे मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह के ज़रिए ले जाती है। यानी कि स्टोरी में आप देखेंगे कि एक नौजवान जो अपने ख़ानदान का बदल लेना चाहता है तो उस बदले की आग में वो गलत रास्ते की तरफ चल निकलता है। यानी कि ये मूवी फाइटिंग मूवी होगी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की तरफ। इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नज़र आएगा। दोस्तों इस मूवी में दिनेश बतौर रायान के रोल में आपको नज़र आएंगे। रायान राया, एस जे सूर्या जो है वो इस मूवी में प्रकाश राज के रोल में नज़र आएंगे। सिलोर घून संदीप किशन रायान के भाई के तौर पर इस मूवी में आपको नज़र आएंगे। कालिदास जे राम बतौर रायान के भाई के रोल में नज़र आएंगे। दिशार ओजीन बतौर रायान की बहन, अपर्णा बाला मुवाली वारा लक्ष्मी सरदार्थ कुमार के रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा सर ओवान और इसके अलावा अगर बात कर लें दोस्तों ये जो मूवी है दिसंबर 2017 को दिनेश ने ऐलान किया कि मैं ये एक मूवी बनाने जा रहा हूँ और पांडी 2017 के बाद अपनी दूसरी हिदायतकारी के लिए वो थंडल स्टूडियो लिमिटेड के हेड रिज हेमार कमानी और मरली रामा सामी के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने 29 के मज़ीद कहा कि वो मरकजी किरदार भी इस मूवी में अदा करेंगे। अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी जिसके लिए 7 सितंबर 2018 को चेन्नई में एक मुहूर्त पूजा का इनेकाद किया गया था। तमिल और तेलुगु जबानों में रिलीज़ होने वाली एक दो लसानी फिल्म होने का दावा किया गया है। इसमें नागार जिन अतिथि राव हैदरी एस जे सूर्या और सर कुमार और श्रीकांत शामिल होंगे। म्यूजिक कंपोज शान रोल्डन, सिनेमाग्राफर ओम प्रकाश और एडिटिंग पर जो है ना ये काम प्रसन्ना जी के हवाले किया गया और प्रसन्ना जी को
इसके बोर्ड की तरफ भी लाया गया। राकमानी ने कहा कि ये एक मुतासर कुन कहानी है और दिनेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो एक तवील अरसे से जहन में रखते हैं। फिल्म के बारे में बहुत परजोश है और जब हमने स्क्रिप्ट को सुना तो हम समझ गए कि क्यों वेंचर के प्रेस लॉन्च के दौरान ये रिलीज़ होने जा रही है। इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हो गई जिसमें ऐलान किया गया था। मार्च 2019 के वेल में नामा निगारों ने दावा किया कि इस वेंचर को रोक दिया गया था, ये बताते हुए कि इस वेंचर को सिर्फ DD2 आरजी तौर पर चंद बिट्स में शूट किया गया था। बुनियादी तौर पर कास्ट के शेड्यूल की वजह से बाद में ये इतला मिली कि इसे महफूज नहीं किया गया था बल्कि इसे रोक दिया गया था क्योंकि धनुष असुरन की फिल्म बंदी में मसरूफ थे। जून 2020 में दिनेश के बड़े भाई सिलोर घोवन के बारे में बताया गया कि अदाकार ने वेंचर के एक हिस्से की हिदायतकारी के लिए रब्ता किया क्योंकि दिनेश अपने मौजूदा वादों में मसरूफ वबाई मर्ज के लिए ख़त्म होने के बाद शुरू होगा जो बाद में गलत साबित हुआ। दो साल के बाद COVID-19 आ गया, इस मंसूबे के बाद स्टॉल पर लगा दिया गया। तहम ये इतला दी गई थी कि ये स्क्रिप्ट को बहाल करने की बजाय दिनेश मुबैना तौर पर एक नई कहानी लिखेंगे जिसके लिए सन पैकेज के कलनीति मॉडर्न ने फंड किया है। प्रोडक्शन हाउस ने 18 जनवरी को 2023 का अनुमान दिया गया। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रायान 19 फरवरी 2024 को सामने आया था। D50 अवामी तौबा इस मनसूबे का ऐलान किया और इसे आर्जी तौर पर ख़त्म भी कर दिया गया। दोस्तों ज़्यादातर फिल्म जो है ये चेन्नई में इसको शूट किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 5 जुलाई 2023 को एस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में फिल्म की कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक इफ्तिताही पूजा की तकरीब से हुआ। फिल्म बंदी भी वहाँ थोड़ी देर तक चलती रही इससे पहले कि वो चेन्नई के आदित्य राम स्टूडियोज़ में तकरीबन 500 घरों के साथ एक बड़े सेट पर चले गए जहाँ बाकी शेड्यूल की शूटिंग जारी रही। शेड्यूल में सूर्या और संदीप के मनाज़िर शामिल थे। दूसरा शेड्यूल नवंबर के वस्त में कार्रवाई को डी में शुरू हुआ जो एक हफ्ते तक जारी रहा। फिल्म बंदी ख़त्म होने के करीब पहुंच गई जैसा कि दिनेश ने कहा 1 अक्टूबर को। 14 दिसंबर को दिनेश ने ट्वीट किया कि शूटिंग ख़त्म हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन के तहत फिल्म की प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट स्टूडियो डबिंग का काम फरवरी 2024 के आखिर में PVTL TD सोमेश गोपाल और इनेश दिया नद्दन बसरी असरात के निगरान है। डिजिटल बक्स इंटरटेनमेंट शुरू हुआ और मार्च के ओएल तक मुकम्मल हो गया। रहमान ने 28 मई को दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन का इंतजाम किया जिसकी तस्दीक दिनेश ने अपने सोशल मीडिया पैकेज के ज़रिए कर दी गई। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है धनुष और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम भी धनुष ही है। इसके अलावा इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है कालंती मारन और इस मूवी के जो मेन किरदार हैं हीरो हैं तो उनका नाम भी जो है दोस्तों वो धनुष ही है। इसके साथ दे रहे हैं SJ सूर्या संदीप किशान कालिदास जयराम इसके अलावा सिल वेरा घाविन इसके अलावा प्रकाश राज दूसरा वेजियान अपारा बिलम्ब मुरली वारा लक्ष्मी इसके अलावा सिनेमाग्राफी ओम प्रकाश ने की है। एडिट जो की है वो परसाना जी के ने किया है। म्यूजिक
इस मूवी का दी है ए आर रहमान ने। प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स की तरफ से है और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है सी बिलो ने। रिलीज़ डेट है इसकी 26 जुलाई 2024 और इसका रनिंग टाइम है 145 मिनट्स। कंट्री इसकी इंडिया है और जो लैंग्वेज है वो है जी तमिल। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 100 करोड़ की लागत आई। अब देखते हैं कि इस मूवी पे लागत 100 करोड़ आई है और ये कितना बिजनेस करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, बस कुछ ही दिनों तक रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये है जी ओवरऑल पूरी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको दी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। और अब आप सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को देख भी सकते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो यकीन आपको मूवी भी पसंद आएगी। रायान एक आने वाली हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे धनेश ने अपनी दूसरी हिदायतकारी में लिखा और हिदायतकारी की। ये फिल्म सन पैकेज के तहत काला नीति मारन ने प्रोड्यूस की है। इसमें एस जे सूर्या, प्रकाश राज, सिलवार गवान, संदीप किशन, कालिदास, जयराम दिशार, उज्जैन अपर्णा, बालमोरली वारा, लक्ष्मी सरदार कुमार और सरवानंद की एक जोड़ी कास्ट के साथ दिनेश ने टाइटल रोल में काम किया है। क्योंकि ये दिनेश की बतौर मरकजी किरदार की 50वीं फिल्म है और सरकारी टाइटल फरवरी 2024 में सामने आया था। प्रिंसिपल के तहत प्रिंसिपल फोटोग्राफी के तहत इसके लिए काम किया गया और इसे इस फिल्म को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और प्रसन्ना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज़ होना था लेकिन नामालूम वजहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रायान एक सादा सा नौजवान है जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए कातिलों की तलाश में निकलता है। जहां कातिलों को तलाश करने की इस जस्तजू इसे मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह के ज़रिए ले जाती है। यानी कि स्टोरी में आप देखेंगे कि एक नौजवान जो अपने ख़ानदान का बदला लेना चाहता है तो उस बदले की आग में वो गलत रास्ते की तरफ चल निकलता है। यानी कि ये मूवी फाइटिंग मूवी होगी और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की तरफ। इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नज़र आएगा। दोस्तों इस मूवी में दिनेश बतौर रायान के रोल में आपको नज़र आएंगे। रायान राया, एस जे सूर्या जो है वो इस मूवी में प्रकाश राज के रोल में नज़र आएंगे। सिलोर घून संदीप किशन रायान के भाई के तौर पर इस मूवी में आपको नज़र आएंगे। कालिदास जे राम बतौर रायान के भाई के रोल में नज़र आएंगे। दिशार ओजीन बतौर रायान की बहन, अपर्णा बाला मुवाली वारा लक्ष्मी सरदार कुमार के रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा सर ओवान और इसके अलावा अगर बात कर लें दोस्तों ये जो मूवी है दिसंबर 2017 को दिनेश ने ऐलान किया कि मैं ये एक मूवी बनाने जा रहा हूँ और पांडी 2017 के बाद अपनी दूसरी हिदायतकारी के लिए वो हिंडल स्टूडियो लिमिटेड के हेड रिज हेमार कमानी और मरली रामा सामी के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने 29 के मज़ीद कहा कि वो मरकज़ी किरदार भी इस मूवी में अदा करेंगे। अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इसके लिए 7 सितंबर 2018 को चेन्नई में एक मुहूर्त पूजा का इनेकाद किया गया था।
تامل اور تیلگو زبانوں میں ریلیز ہونے والی ایک دو لسانی فلم ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے. اس میں ناگار جن، ادتی راؤ حیدری، ایس جے سوریا اور سرت کمار اور سری کانت شامل ہوں گے. میوزک کمپوز شان رولڈن، سینما گرافر اوم پرکاش اور ایڈیٹنگ پر جو ہے نا یہ کام پرسنا جی کے حوالے کیا گیا اور پرسنا جی کو اس کے بورڈ کی طرف بھی لایا گیا. راکمانی نے کہا کہ یہ ایک متاثر کن کہانی ہے اور دنیش کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے جسے وہ ایک طویل عرصے سے ذہن میں رکھتے ہیں. فلم کے بارے میں بہت پرجوش ہیں اور جب ہم نے اسکرپٹ کو سنا تو ہم سمجھ گئے کہ کیوں وینچر کے پریس لانچ کے دوران یہ ریلیز ہونی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اس فلم کی جو پرنسپل فوٹوگرافی اسی مہینے شروع ہو گئی جس مہینے اعلان کیا گیا تھا. مارچ 2019 کے ویل میں نامہ نگاروں نے دعویٰ کیا کہ اس وینچر کو روک دیا گیا تھا یہ بتاتے ہوئے کہ اس وینچر کو صرف DD2 آرٹی طور پر چند بٹس میں شوٹ کیا گیا تھا. بنیادی طور پر کاسٹ کے شیڈول کی وجہ سے بعد میں یہ اطلاع ملی کہ اسے محفوظ نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسے روک دیا گیا تھا کیونکہ دھنوش اسورن کی فلم بندی میں مصروف تھے. جون 2020 میں دنیش کے بڑے بھائی سلور بھون کے بارے میں بتایا گیا کہ اداکار نے وینچر کے ایک حصے کی ہدایت کاری کے لیے رابطہ کیا کیونکہ دنیش اپنے موجودہ وعدوں میں مصروف وبائی مرض کے لیے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگا جو بعد میں غلط ثابت ہوا. دو سال کے بعد COVID-19 آ گیا. اس منصوبے کے بعد اسٹال پر لگا دیا گیا. تاہم یہ اطلاع دی گئی تھی کہ یہ اسکرپٹ کو بحال کرنے کی بجائے دنیش مبینہ طور پر ایک نئی کہانی لکھیں گے جس کے لیے سن پیکج کے کلیتی مارن نے فنڈ کیا ہے. پروڈکشن ہاؤس نے 18 جنوری کو 2023 کا عنوان دیا گیا. فلم کا آفیشیل ٹائٹل رایان 19 فروری 2024 کو سامنے آیا تھا. D50 عوامی توبہ اس منصوبے کا اعلان کیا اور اسے عارضی طور پر ختم بھی کر دیا گیا. دوستو زیادہ تر فلم جو ہے یہ چنئی میں اس کو شوٹ کیا گیا. پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 5 جولائی 2023 کو ایسٹ کوسٹ روڈ چنئی میں فلم کی کاسٹ اور عملے کی موجودگی کے ساتھ ایک افتتاحی پوجا کی تقریب سے ہوا. فلم بندی بھی وہاں تھوڑی دیر تک چلتی رہی اس سے پہلے کہ وہ چنئی کے آدتیہ رام اسٹوڈیوز میں تقریباً 500 گھروں کے ساتھ ایک بڑے سیٹ پر چلے گئے جہاں باقی شیڈول کی شوٹنگ جاری رہی. شیڈول میں سوریہ اور سندیپ کے مناظر شامل تھے. دوسرا شیڈول نومبر کے وسط میں کارروائی کو ڈی میں شروع ہوا جو ایک ہفتے تک جاری رہا. فلم بندی ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی جیسا کہ دنیش نے کہا 1 اکتوبر کو. 14 دسمبر کو دنیش نے ٹویٹ کیا کہ شوٹنگ ختم ہو گئی ہے. پوسٹ پروڈکشن کے تحت فلم کی پرنسپل ویژول ایفیکٹس اسٹوڈیو ڈبنگ کا کام 2024 کے آخر میں PVTLTD سومیش گوپال اور انیش دیا ندن بصری اثرات کے نگران ہیں. ڈیجیٹل برکس انٹرٹینمنٹ شروع ہوا اور مارچ کے اوائل تک مکمل ہو گیا. رحمان نے 28 مئی کو دوبارہ ریکارڈنگ سیشن کا اختتام کیا جس کی تصدیق دنیش نے اپنے سوشل میڈیا پیکج کے ذریعے کر دی گئی. اب میں آپ کو اس مووی کی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں. دوستو اس مووی کو جس نے ڈائریکٹ کیا ہے ان کا نام ہے دھنوش اور رائٹر جو ہے اس مووی کے ان کا نام بھی دھنوش ہی ہے. اس کے علاوہ اس مووی کو جس نے پروڈیوس کیا ہے ان کا نام ہے کالنتی مارن اور اس مووی کے جو مین کردار ہیں ہیرو ہیں تو ان کا نام بھی جو ہے دوستو وہ دھنوش ہی ہے. اس کے ساتھ آ رہے ہیں ایس جے سوریا، سندیپ کشان، کالیداس،
जयराम, इसके अलावा सिल वेरा घाविन, इसके अलावा प्रकाश राज, दूसरा वेजियान, अपारा बिलम्ब बिलम्ब, मुरली वारा लक्ष्मी, इसके अलावा सेमोग्राफी ओम प्रकाश ने की है। एडिट जो की है वो परसाना जी के ने किया है। म्यूजिक इस मूवी का दी है ए आर रहमान ने। प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स की तरफ से है और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है सी बिलो ने। रिलीज डेट है इसकी 26 जुलाई 2024 और इसका रनिंग टाइम है 145 मिनट्स। कंट्री इसकी इंडिया है और जो लैंग्वेज है वो है जी तमिल। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 100 करोड़ की लागत आई। अब देखते हैं कि इस मूवी पे लागत 100 करोड़ आई है और ये कितना बिजनेस करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, बस कुछ ही दिनों तक रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये है जी ओवरऑल पूरी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको दी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। और अब आप सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को देख भी सकते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो यकीन आपको मूवी भी पसंद आएगी। रायान एक आने वाली हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे धनेश ने अपनी दूसरी हिदायतकारी में लिखा और हिदायतकारी की। ये फिल्म सन पैकेज के तहत काला नीथी मारन ने प्रोड्यूस की है। इसमें एस जे सूर्या, प्रकाश राज, सिलवार गवान, संदीप किशन, कालिदास, जयराम, दिशा उज्जैन, अपर्णा बालमोरली, वारा लक्ष्मी, सरतार कुमार और सरवानन की एक जोड़ी कास्ट के साथ दिनेश ने टाइटल रोल में काम किया है। क्योंकि ये दिनेश की बतौर मरकजी किरदार की 50वीं फिल्म है और सरकारी टाइटल फरवरी 2024 में सामने आया था। प्रिंसिपल के तहत प्रिंसिपल फोटोग्राफी के तहत इसके लिए काम किया गया और तो इस फिल्म को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में आरजी उन्वान फोटोग्राफी जुलाई 2023 में हुई। इसकी शूटिंग बुनियादी तौर पर चेन्नई और कड़ाई गोकोडी और दिसंबर 2023 के वस्त तक लिपेट दी गई। फिल्म की मौसीकी ए आर रहमान ने तरतीब दी थी जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग ओम प्रकाश और प्रसन्ना जी ने संभाली थी। रायान को 13 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होना था लेकिन नामालूम वजहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि रायान एक सादा सा नौजवान है जो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेने के लिए कातिलों की तलाश में निकलता है, जहां कातिलों को तलाश करने की इस जस्तजू इसे मुनज़्ज़म जराइम के गिरोह के ज़रिए ले जाती है। यानी कि स्टोरी में आप देखेंगे कि एक नौजवान जो अपने ख़ानदान का बदला लेना चाहता है तो उस बदले की आग में वो गलत रास्ते की तरफ चल निकलता है। यानी कि ये मूवी फाइटिंग मूवी होगी और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की तरफ। इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको नज़र आएगा। दोस्तों इस मूवी में दिनेश बतौर रायान के रोल में आपको नज़र आएंगे। रायान राया, एस जे सूर्या जो है वो इस मूवी में प्रकाश राज के रोल में नज़र आएंगे। सिलोर घून संदीप किशन रायान के भाई के तौर पर इस मूवी में आपको नज़र आएंगे। कालिदास जे राम बतौर रायान के भाई के रोल में नज़र आएंगे। दिशार ओजीन बतौर रायान की बहन। अपर्णा बाला मुवाली वारा लक्ष्मी सरदार्थ कुमार के रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा सर ओवान और इसके अलावा अगर बात कर लें दोस्तों ये जो मूवी है दिसंबर 2017 को दिनेश ने ऐलान किया कि मैं ये एक मूवी बनाने जा रहा हूँ और पांडी 2017 के बाद अपनी दूसरी हिदायतकारी के लिए वो
थंडल स्टूडियो लिमिटेड के हेड रिज हेमार कमानी और मरली रामा सामी के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने 29 के मजीद कहा कि वो मरकजी किरदार भी इस मूवी में अदा करेंगे। अगले साल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 7 सितंबर 2018 को चेन्नई में एक मुहूर्त पूजा का इनेकाद किया गया था। तमिल और तेलुगु जबानों में रिलीज़ होने वाली 1-2 लसानी फिल्म होने का दावा किया गया है। इसमें नागार्जुन, अतिथि राव हैदरी, एस जे सूर्या और शरत कुमार और श्रीकांत शामिल होंगे। म्यूजिक कंपोज शान रोल्डन, सिनेमाग्राफर ओम प्रकाश और एडिटिंग पर जो है ना ये काम प्रसन्ना जी के हवाले किया गया और प्रसन्ना जी को इसके बोर्ड की तरफ भी लाया गया। राकमानी ने कहा कि ये एक मुतासर कुन कहानी है और दिनेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो एक तवील अरसे से जहन में रखते हैं। फिल्म के बारे में बहुत परजोश है और जब हमने स्क्रिप्ट को सुना तो हम समझ गए कि क्यों वेंचर के प्रेस लॉन्च के दौरान ये रिलीज़ होने जा रही है। इसके अलावा इस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हो गई जिस महीने ऐलान किया गया था। मार्च 2019 के वेल में नामा निगारों ने दावा किया कि इस वेंचर को रोक दिया गया था, ये बताते हुए कि इस वेंचर को सिर्फ DD2 आर्जी तौर पर चंद बिट्स में शूट किया गया था। बुनियादी तौर पर कास्ट के शेड्यूल की वजह से बाद में ये इतला मिली कि इसे महफूज नहीं किया गया था बल्कि इसे रोक दिया गया था क्योंकि धनुष असुरन की फिल्म बंदी में मसरूफ थे। जून 2020 में दिनेश के बड़े भाई सिलोर भोवन के बारे में बताया गया कि अदाकार ने वेंचर के एक हिस्से की हिदायतकारी के लिए रब्ता किया क्योंकि दिनेश अपने मौजूदा वादों में मसरूफ वबाई मर्ज के लिए ख़त्म होने के बाद शुरू होगा जो बाद में गलत साबित हुआ है। 2 साल के बाद कोविड-19 आ गया, इस मंसूबे के बाद स्टॉल पर लगा दिया गया। तहम ये इतला दी गई थी कि ये स्क्रिप्ट को बहाल करने की बजाय दिनेश मुबैना तौर पर एक नई कहानी लिखेंगे जिसके लिए सन पैकेज के कलनीति मॉडर्न ने फंड किया है। प्रोडक्शन हाउस ने 18 जनवरी को 2023 का अनुमान दिया गया। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रायान 19 फरवरी 2024 को सामने आया था। D50 अवामी तौबा इस मनसूबे का ऐलान किया और इसे आर्जी तौर पर ख़त्म भी कर दिया गया। दोस्तों ज़्यादातर फिल्म जो है ये चेन्नई में इसको शूट किया गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 5 जुलाई 2023 को एस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में फिल्म की कास्ट और अमले की मौजूदगी के साथ एक इफ्तिताही पूजा की तकरीब से हुआ। फिल्म बंदी भी वहाँ थोड़ी देर तक चलती रही इससे पहले कि वो चेन्नई के आदित्य राम स्टूडियोज़ में तकरीबन 500 घरों के साथ एक बड़े सेट पर चले गए जहां बाकी शेड्यूल की शूटिंग जारी रही। शेड्यूल में सूर्या और संदीप के मनाज़िर शामिल थे। दूसरा शेड्यूल नवंबर के वस्त में कार्रवाई को डी में शुरू हुआ जो एक हफ्ते तक जारी रहा। फिल्म बंदी ख़त्म होने के करीब पहुंच गई जैसा कि दिनेश ने कहा। 1 अक्टूबर को 14 दिसंबर को दिनेश ने ट्वीट किया कि शूटिंग ख़त्म हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन के तहत फिल्म की प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो डबिंग का काम फरवरी 2024 के आखिर में PVTL TD सोमेश गोपाल और इनेश दिया नदन बसरी असरात के निगरान है। डिजिटल बक्स इंटरटेनमेंट शुरू हुआ और मार्च के ओएल तक मुकम्मल हो गया। रहमान ने 28 मई को दोबारा रिकॉर्डिंग सेशन का इंतजाम किया जिसकी तस्दीक दिनेश ने अपने सोशल मीडिया पैकेज के जरिए कर दी गई। अब मैं आपको इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी को जिसने
कॉन्टैक्ट के हैं उनका नाम है धनुष और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम भी धनुष ही है। इसके अलावा इस मूवी को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है कालंती मारन और इस मूवी के जो मेन किरदार हैं हीरो हैं तो उनका नाम भी जो है दोस्तों वो धनुष ही है। इसके साथ रहे हैं एस जे सूर्या, संदीप किशान, कालिदास, जयराम, इसके अलावा सिल वेरा घाविन, इसके अलावा प्रकाश राज, दूसरा विज्ञान अपारा बिलम्ब बिलम्ब मुरली वारा लक्ष्मी, इसके अलावा सेमोग्राफी ओम प्रकाश ने की है। एडिट जो की है वो परसाना जी के ने किया है। म्यूजिक इस मूवी का दी है ए आर रहमान ने। प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स की तरफ से है और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है सी बिलो ने। रिलीज डेट है इसकी 26 जुलाई 2024 और इसका रनिंग टाइम है 145 मिनट्स। कंट्री इसकी इंडिया है और जो लैंग्वेज है वो है जी तमिल। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 100 करोड़ की लागत आई। आप देखते हैं कि इस मूवी पे लागत 100 करोड़ आई है और ये कितना बिजनेस करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, बस कुछ ही दिनों तक रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये है जी ओवरऑल पूरी इस मूवी की स्टोरी जो कि हमने आपको दी, यकीनन आपको पसंद आई होगी और अब आप सिनेमा घरों में जाकर इस मूवी को देख भी सकते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो यकीन आपको मूवी भी पसंद आएगी।